मैंने मोर में सब लेकर आ रहा हूँ आपके पास। उस चक्कर में कबूतर बुरा मान गया, इतना मोर मोर चिल्लाया कबूतर बुरा मान गया बैठा हुआ। मोनिका आपकी डार्लिंग होगी, मेरी नहीं आया, बट कोशिश करेंगे कि वो भी आए आपके पास। अभी मैं एकदम पूरा रेडियो जॉकी वाले मूड में आ गया हूँ। जैसे कि हम लोग कहते हैं अक्सर रेडियो पे दो गाने बैक टू बैक गाने की कोशिश करूंगा आपके पास। और लेकिन उससे पहले मैंने कहा था मजरू साहब और दादा पंचम दादा को एक कॉन्वर्सेशन था, वो ये था कि शिकायत जो पंचम दा से अक्सर लोगों ने की, मजरू साहब ने भी की, कि भाई तुम्हारे बाबा कहते हैं पंचम ज्यादा वेस्टर्न म्यूजिक ना उसको मत पकड़ो, थोड़ा ना हिंदुस्तानी को पकड़ो, फोक को दिमाग में रखो। और हर बार आर्टी वरुण यही कहते कि मैं फोक और मेलोडी को दिमाग में रखता हूँ, इंडियन को दिमाग में रखता हूँ, तो लोग कहते हैं कि अपने पिताजी की धुनें सुनाता है, तो मुझे कुछ तो स्टाइल डिफरेंट करना होगा ना, इसलिए मैं वेस्टर्न म्यूजिक को भी पकड़ूंगा। और बाबा से बहुत चिंता ना करें, अपना अलग मकाम बनाऊंगा। और वही पंचम दा ने किया भी, और जो गाना आने वाला है उसी का उदाहरण है, एक उदाहरण है, वैसे बहुत सारे हैं। तो अभी दो गाने बैक टू बैक। आलोक जी आइए मंच पर, आप जी आप भी मंच पर आइए और मंच पर ही रहिए, यहां जाइएगा नहीं अभी। Oh.
Oh,
देखिए साहब ऐसा है, अभी हालत ये हो गई कि चाय बहुत गर्म है और अभी अभी पीनी है, तो हम पंचमदा के स्टाइल में चाय पियेंगे, उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला देंगे और उसे पी जाएंगे, कुछ ऐसा ही करते हैं अभी। आशा जी बहुत परेशान थी इस आदत से, ठीक है ना, और अभी मैं मास्टर से बन गया फिंगर ऑन योर लिप्स, ठीक है। शैलजा जी यहाँ पर है हमारे पास मंच में और आशा जी की तकलीफ दूर करेंगी, इस आदत का खुलासा मैंने अभी कर दिया है। ओवर टू शैलजा जी, नाम आपके साथ में आ रहे हैं, कोरस में मैं हूँ।